हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है मंडे और मंडे के दिन हमें जाना है शूट पे। तो अभी बजे है सुबह के 7 और हम लोग आई थिंक 5:30 को ही उठ गए हैं। तो फटाफट से सब रेडी वगैरह हो गए हैं और क्विक सा जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था वो काफ़ी अच्छा और हैंडी नाश्ता है। जब भी इस तरीके से मतलब कहीं पे शूट पे जाना हो ना तो बहुत अच्छा है, मतलब काम पे जाना हो या फिर शूट पे जाना हो वही। और अभी रेडी हो गई हूँ मैं, बस अभी फटाफट बैग पैक करना है और निकलना है क्योंकि बाद में आपको तो पता है कि ट्रैफिक हो जाएगा तो बहुत बहुत बड़ी वाट लग जाएगी। पहना हुआ है ये टॉप, बहुत ब्यूटीफुल प्रिटी सा टॉप है ये, देखिए। ये मैंने बैंड्रा से लिया था जब भी हम लोग दुबई के लिए शॉपिंग कर रहे थे तभी, और काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है ये, और सिर्फ 300 रुपीज़ समथिंग का था। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। निकल गए हैं हम और एज यूजुअल ट्रैफिक तो है ही, चाहे कितना भी बजे निकलो। और मैंने इस तरीके से जार में नाश्ता ले लिया है, मेरा ओट मिल जो मैंने आपको बताया। निशान ने घर पे ही नाश्ता कर लिया था क्योंकि उसको भी गाड़ी चलाना है ऑफकोर्स। और ठीक है, आज हम लोगों ने सोचा है कि कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो आपको सबको पता ही रहेगा कि मुंबई में बहुत बड़ा ब्रिज खुला है सी के ऊपर, अटल सेतु। तो सोचा कि चलो वो रास्ता लेके देखते हैं। 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा है बट फिर भी आधा घंटा टाइम कम बता रहा है। सोचो कितने खड्डे और ट्रैफिक रहेंगे नॉर्मल रास्ते में। यहाँ पे निशांत गाड़ी चला रहा है, ड्यूटी पे लग गए हो तुम अपने वो जी। ये देखो अभी हम लोग पनवेल सिटी से निकल गए हैं और कुछ JNPT हाईवे लग गया है और वहाँ से अटल सेतु का रोड है। तो मतलब कुछ अलग ही लग रहा है, एकदम नया हाईवे, नया सब कुछ लग रहा है ना। हाँ, नया रोड और टाइमिंग भी जब तुम बोल रही थी ना, हाँ 34 किलोमीटर के लिए 37 मिनट्स दिखा रहा है ऐसा। हाँ, नहीं तो 34 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा दिखाता है। बहुत मजा आने वाला है ऐसे इतना कम, मतलब पनवेल से निकल के भी 2 घंटे तो समझ ही लो, पकड़ लो कि लगते हैं। और अभी आधा घंटा 45 मिनट्स में पहुंच जाएंगे शायद, देखते। ये देखिए 33 किलोमीटर है और 36 मिनट का ये रास्ता है मुंबई वाया अटल सेतु। पानी के ऊपर ये ब्रिज है, देखिए गाइस, हम लोग पूरे सी के ऊपर है। बहुत बारिश पड़ रही है, बहुत मजा आ रहा है लेकिन, है ना। हाँ, तुम्हें कैसे लग रहा है? हाँ, मुझे भी मजा आ रहा है ना, खाली रोड। हाँ, थोड़ा बारिश नहीं रहता ना तो शायद दिखता था। हाँ, कि अभी कुछ दिख नहीं रहा है। वहाँ पे देखिए कैसा हुआ है, पूरा बारिश बहुत गिर रहा है उधर, पूरा डरावना दिख रहा है ऐसे। Hey.
अभी हमारा फर्स्ट शूट इज ओवर और अभी दूसरे शूट में थोड़ा टाइम है, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट पहले के दिनों की तरह घूम रहे हैं। इतना टाइम हम लोगों को कभी नहीं मिलता है यहाँ पे घूमने के लिए। हाँ ना, और ये रोड भी इतना खाली नहीं देखा है, पहले पूरा खाली दिख रहा है। पूरा मार्केट यहाँ से निकल गया है ऐसे लग रहा है। पर हम लोगों ने कुछ कुछ लोगों को पूछा तो बोल रहे हैं कि थोड़ा लेट लगता है ये मार्केट। यहाँ पे आने के बाद जो मजा आता है ना शॉपिंग करने का, मतलब कुछ वाइब ही अलग है। और ये रहा क्रॉफर्ड मार्केट, द आइकॉनिक क्लॉक टावर। यहाँ पे सब गणपति के लिए जो है बैठते हैं, पर अभी कोई भी नहीं है। इतना खाली मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है ना। और वो भी गाड़ी वीडी पार्क दे, चलने का जगह नहीं रहता है वहाँ पे, गाड़ी पार्क दे आज। देखो ना, हम लोग आने की खुशी में सब लोग गायब ही हो जाते हैं। हम लोग ने आज सोचा कि शूट कम है तो थोड़ा मार्केट्स भी एक्सप्लोर करें, बट यहाँ पे खुला ही नहीं है मार्केट। वो गन से मार रही है मेरे को। घर पे जाने से पहले हमें खाना है कुछ, तो लंच लंच नहीं किया है कुछ। 3:30 बजे है अभी, देखते हैं। अभी अटल सेतु से हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये आने जाने का मतलब कुछ 375 रुपीज है ना। हाँ, मतलब अगर सेम डे रिटर्न आओगे तो हाफ रेट है रिटर्न का। अच्छा। 250 है ना, तो 125। तो अभी यहाँ पे किधर होटल देखना पड़ेगा, पनवेल लगेगा हम लोगों को बीच। पनवेल नहीं लगेगा, फिर तलोजा ही है ना सीधा। पनवेल सिटी में तो हम लोग नहीं जाते हैं ना, मतलब आज तो नहीं लगा। अच्छा, फिर वहाँ पे देखते हैं, अगर जाना रहेगा तो जा सकते हैं मैप लगा के वैसे। अभी हम लोग घर पे जा रहे थे और भूख लगा था, तो इसलिए मैप पे ढूंढा कि कहाँ पे अच्छा कुछ खाने के लिए है। तो हम लोग तलोजा के इधर 1-2 किलोमीटर अंदर रास्ता था, पता नहीं था कि वो रिजॉर्ट निकलेगा। और ये पूल साइड रिजॉर्ट है, यहाँ पे पूल का कितना सुंदर व्यू है ना। हाँ, मतलब आ रहे थे तो रास्ता देख के ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे कुछ होगा, और रिग्रेट कर रहे थे कि जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, या फिर घर के रास्ते पे ही देखे। बट एम्बियंस तो अच्छा है। हाँ, जब बाजू में रिजॉर्ट है। हाँ, और स्टे भी है ना यहाँ पे, स्टे बैंक्वेट में आ गए। हाँ, तो अभी सोच रहे कि इधर ही स्टे करें, नहीं घर पे जाना है। हाँ, मतलब काम के वाइब्स से सीधा अभी वेकेशन वाइब्स। वेकेशन वाइब। हम लोगों ने एकदम फास्ट खा लिया, अभी मेरा है थोड़ा, देख लो उसमें से। अच्छा था, फोटो इंसर्ट कर देंगे। हाँ।